लैला किस गॉडेस का अवतार बनती है? लैला ने अवतार बनने का डिसीजन कब लिया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टीवी सीरीज ऑफ 2022 मून नाइट के बारे में। एपिसोड 6 बहुत ही ज्यादा एपिक था और जेन्युइनली इस शो के लिए एक शानदार एंडिंग। हमने हमारी पिछली वीडियो में मार के रीबर्थ तक की डिस्कशन कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो जब हैरो अपने फॉलोअर्स को कहता है कि वो घुसपैठ करने वाले को ढूंढ ले, तो लैला वहां घबरा कर छुप जाती है और उसके पकड़े जाने के 100% चांसेस थे। लेकिन तभी लैला अपने पास पड़ी एक डेड बॉडी की मौजूदगी में टावरेट से बात करती है और उससे अवतार बनने के ऑफर को डिस्कस भी करती है। लैला सिंपली यही फैक्ट उठाती है कि वो टॉरेट के टेम्पररी अवतार ही बनेगी। लैला ने अवतार बनने का फैसला तब लिया जब उसे ये तो पता था कि एमिट को हराना कैसे है, लेकिन उसके लिए लैला का अवतार बनना जरूरी था, जिस वजह से उसे टॉरेट के दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और हमें लैला की भी बहुत शानदार कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है। लेकिन उस सीक्वेंस का सबसे बेस्ट पार्ट था लैला और टॉरेट के डिस्कशन को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया। एक्टिंग लेवल जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा शानदार थी। डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से मार्क और लैला के ट्रांसफॉर्मेशन शोकेस किया था। एक तरफ जहां मार्क को कॉन्शु फ्लाइंग सुपर पावर्स देता है, तो वहीं दूसरी तरफ लैला को भी साइमल्टेनियसली टॉरेट के द्वारा सुपर पावर्स दे दी जाती हैं। और हमने हमारे दोनों लीड एक्टर्स के सुपर हीरो काउंटर पार्ट वर्जन्स को देख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं सब प्रोसेस में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हैरो ने एमिट को जिंदा कर दिया था और हैरो और उसके लोग कैरो शहर में एमिट के आदेश पे सभी लोगों को उनके पाप की सजा दे रहे थे। और जैसा कि हमने एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन में रिवील किया था कि एमिट सभी लोगों को सजा देती है जो कि कोई गुनाह कर चुके होते हैं या फिर करने वाले होते हैं। आपके अकॉर्डिंग लैला की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम कैसी थी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।